याद तो आया स्वागत है आप सभी लोगों का। ऐसे ऐसे फरमाइश आप लोग करते हैं जो जनरली हम सुनते नहीं हैं। पुराने सॉन्ग, पुरानी गज़लें, बंदिश, इन सारी चीज़ों का रियाज करते हुए आए। नए सॉन्ग थोड़ा कम सुनता हूं, लेकिन कुछ कुछ बेहतर सॉन्ग जो मुझे भी अटैक करता है और मुझे लगता है कि इसका रियाज करना चाहिए, और ऐसे फरमाइश भी आप लोग लगातार करते हैं। तो राहत साहब के द्वारा गाया हुआ इस बेहतरीन सॉन्ग आप अपने स्केल में गा सकते हैं। मैं तो ओरिजिनल स्केल में ही गा रहा था जहाँ से उन्होंने गाया है। थोड़ा सा हायर स्केल इन लोगों का है। नुसरत फ़तेह अली खां साहब का जो स्केल है, राहत साहब का जो स्केल है, तो ये अनकॉमन स्केल है। तो मैं बता यहीं से रहा हूँ जिनको लगता है कि इस रेंज में गा सकते हैं यहाँ से गाएं, नहीं तो जिनको लगता है कि कंफर्टेबल जोन थोड़ा सा नीचे करके किया जा सकता है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गा सकते हैं। कहरवा ताल के अंदर आप इसको रख के गा सकते हैं। जो बजाय है वो वेस्टर्न बीट कहरवा के अंतर्गत है, बहुत फेमस स्केल नोट में है। आइए मैं दिखाता हूँ, सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। अक्सर बताता हूँ कि अगर ज़रूरत है तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप मैसेज करें, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, वहाँ से डिटेल मिलेगा। और कुछ दिन क्लास लेते हैं तो 1-to-1 आपको बताया जाता है, आपको सुना जाता है, दिखाया जाता है। क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसकी जानकारी व्हाट्सएप से। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। आसावरी थाट पहले बजा लीजिएगा एक बार, इससे क्या होगा कि स्केल नोट समझने में आपको आसानी होगी। केवानी की छाया नजर आती है मेरे हिसाब से, उतना डिटेल में नहीं जाना है। सिंपली आसावरी थाट बिगनर्स लोग ही बजा के रियाज कर सकते हैं। सा मैं यहाँ से बता रहा हूँ, अपने हिसाब से स्केल सेट कर लीजिए। दोनों नी का प्रयोग है, ये खास बात है, बाकी ये मेन स्वर है। ओके, आलाप भी है, म्यूजिक पैटर्न भी बता रहा हूँ, अस्थाई अंतरा का नोट भी बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है। लफ्ज कितने ही पनगरे मागरे, मौ पे आंदोलन करना है। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से, यही लगा है, शुद्ध नहीं एक बार। तेरे रे गे सने रे सा, रे गे सने रे सा, लिपटे होंगे रे सारे सारे में भी आंदोलन है सेकेंड टाइम। लिपटे सारे सा लिपटे कॉर्ड लेके, ये बेस कॉर्ड है, उसके बाद ऊपर नोट जाता है। तूने जब आया सारे गम पा, तूने जब आया पधा, तूने जब आया मपा पधा, आंदोलन के साथ। तूने जब आखिर खत मेरा नी, ये धौक है लेकिन नी का कन, मेरा मेरा जलाया परसनी होगा, जलाया होगा सनी सनी गापा। ओके, इसके बाद ऊपर का रे का कर्ण टच करना जरूरी है जिस स्केल में भी गाएं। देने यहां से तूने जब, तू
जब फूल किताबों में, ये नोट है, ये लाइन है, शब्द है, नोट है। पधरे सा तूने जब फूल साप किताबों से ये आंदोलन है, हरकत है यहाँ। किताबों से निकाले दशरधा निकाले होंगे, फिर वही धा निकाल कर होंगे धाप देने ले सकते हैं। पद सनी धप मगा देने वाला भी तुझे रे घर सब भी तुझे याद तो सदा धाधा आया होगा सनी पधा। हरकत भी चेंजिंग में दरी तेरी आंखों के दरिया का या का गर्मग सनेरा तेरी आंखों के दरिया या कण्वी है या का उतरना उतरना भी धधनी धप धसा सा जरूरी था। और सेकेंड लाइन इसी नोट है, मोहब्बत कॉर्ड लेके भी गा सकते हैं। मोहब्बत भी जरूरी थी वही नोट है, बिछड़ना भी जरूरी। आगे लाइन है, जरूरी था सारे आरज़ू करते रे 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 गगरे सा सा मगर उन आरज़ुओं का ससारे सानी मगर उन आरज़ुओं का फरक कर लेंगे मगर उन आरज़ुओं का म्यूजिक पैटर्न और स्टेंजा के लिए आप कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा कि ये चीज़ आप लोगों को पसंद आया है, आप कमेंट करेंगे तो मैं सेकेंड पार्ट इसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका म्यूजिक पैटर्न होगा और स्टेंजा का लाइन। ओके, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।